नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौसम और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा में जुबानी जंग के दौरान नेता अपना आपा खो रहे हैं, भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं, अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं और बजट पर चर्चा के दौरान एक सांसद ने सत्ता पक्ष के सांसद को अभी तक कह डाला। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लेकर विपक्ष पर हमला बोला है, इसे जनादेश का अपमान बताया है। रिपोर्ट देखिए। बेईमानो। सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। आखिर ये नौबत क्यों आई? चर्चा और संवाद का दायरा गाली गलौज तक कैसे पहुंच गया? दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकिएगा, हमाम में तो सब नंगे हैं ना हो। बेईमानो, बेईमानो, बेईमानो। अब इस मुद्दे का बैकग्राउंडर भी समझ लीजिए कि नजारा लोकसभा का है। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले, 2016 के बाद तो 2019। सर, मैं कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूं, आपको सुपड़ है। वाह वाह सर, वाह, बोलिए अपनी बात पे। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। बेईमानो, 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 बेईमान हो। अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो। मैं सभी सामान्य सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए। वैसे सदन में गाली का आरोप नया नहीं है। पिछले साल फरवरी में बहस के दौरान टीएमसी सांसद मऊआ मोइत्रा पर गाली देने का आरोप लगा था। Who has to fulfill these? And if you consider this after 10 years also, there are a lot of these issues. तो सवाल है कि क्या वाकई संसद की गरिमा गिराई जा रही है? वही आज कांग्रेस के सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का नाम लिए बिना उसका समर्थन किया। चन्नी ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लागू है और एक निर्वाचित सांसद पर एनएसए लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया है और वो संसद में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तक नहीं कर पा रहे हैं। उसी अभिव्यक्ति की आजादी भी उसकी दबाई जा रही है। चन्नी का इशारा खुले तौर पर उस अमृतपाल की ओर था जो खालिस्तान का समर्थक है और पंजाब को भारत से तोड़ने की, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बातें अमृतपाल कई बार कर चुका है। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहाँ नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। उसने आज जितना गलत बोला, देश के एज एमपी नहीं, देश के दुश्मन तरह यहाँ पे बात की और देशद्रोही की तरह यहाँ बात की है। पहले उन्होंने सिर्फ अमृतपाल की बात नहीं की, उसके आड़ में उसने जो एनएसए लगा हुआ है वो उसने कहा भी किसानों के ऊपर लगा हुआ है। टोटल ही उसने गलत गुमराह किया। कांग्रेस दा स्टैंड की है क्योंकि अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है, अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है ना। सो ये उन्होंने स्टैंड है, पर
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਮਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਾਂ। और कांवड़ यात्रा रूट में नाम और पहचान बताने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई होने वाली है, लेकिन इस बीच इसे लेकर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ये याचिका नाम लिखने और पहचान बताने के आदेश के समर्थन में डाली गई है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में नाम पहचान बताने का आदेश क्या जारी हुआ, पाकिस्तान में आग लग गई और वो रोता हुआ अमेरिका तक पहुंच गया, लेकिन वहां उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। भारत के हर मामले में टांग अड़ाने की पुरानी बीमारी से परेशान पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी हरकतों से इंटरनेशनल बेइज्जती करा ली है। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के मुद्दे को लेकर रोता पाकिस्तान अमेरिका के पास चला गया और वहां अपनी पंचायत लगाने की कोशिश करने लगा। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में कांवड़ और नेम प्लेट पर सवाल पूछा और भारत को घेरने की कोशिश की। Indian media is reporting that in few states, the BJP government is forcing Muslim owners of restaurants to display their Muslim names at their eateries. But due to growing hate against Muslims, they fear it will bring more problems for them. What are your thoughts when you see such kind of action by any government? We have seen those reports. We have also seen the reports that the Indian Supreme Court on July 22nd issued an interim stay on the implementation of those rules, so they're not actually in effect now. Speaking generally, we are, as we always say, committed to promoting and respecting universal, promoting and protecting, I should say, universal respect for the right of freedom of religion and belief for all anywhere in the world. And we have engaged with our Indian counterparts on the importance of equal treatment for members of all religions. पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ी चालाकी से अपने सवाल में सिर्फ मुस्लिमों का जिक्र किया था और इस उम्मीद में था कि अमेरिका से भारत के खिलाफ कोई बयान आ जाएगा जिससे उसका प्रोपेगेंडा सफल हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उलट। अमेरिकी प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद कर दी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और इस पर विवाद भी थमने लगा है। 50 वीडियोस विटनेस हैं, हरकतें तो आपकी सही है नहीं। आप एक मिसाल है कि आपने एक ढाबा खोला हुआ है, जय माता दी उस ढाबे का नाम रखा है, आप मुसलमान हैं तो आपने जय माता दी क्यों लिखा है, जबकि आपको बोला जाए कि जय श्री राम या जय भारत, भारत माता की जय या जय माता दी बोले तो आप कहेंगे नहीं ये तो हमारे लिए अलाउड नहीं है इस्लाम में, तो आपने अपने रेस्टोरेंट का अपने ढाबे का नाम क्यों रखा है, रखा है तो फिर नीचे लिखें कि मोहम्मद आरिफ आजा क्या का ऑनर है इसका। पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों का भी मानना है कि जब मुस्लिम त्योहारों के दौरान कड़ाई से उनके नियमों का पालन किया जाता है तो हिंदुओं के त्योहारों में इस तरह के आदेश से क्या परेशानी है। मतलब आप मुझे यहाँ पे यूरोप में आप कहेंगे कि इतने सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, उस पर इंडियन रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, महाराजा मैक्सिमम अगर इंप्लॉय किया तो बर्तन धोने के ऊपर, जब आप इम्प्लॉयमेंट तक नहीं देते नॉन मुस्लिम को अपने ढाबों में अपने रेस्टोरेंटों में अपने खाने की जगहों पे, तो आप इस चीज पे इतना तिल मिला क्यों रहे हैं। पवित्र सावन महीने में कांवड़ियों के मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश में लगा रहता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हिंदू हो या सिख या ईसाई या अहमद या मुस्लिम कोई सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में उन्मादी भीड़ बीच सड़क पर ईश निंदा के झूठे आरोपों पर लिंचिंग कर देती है और उस पाकिस्तानी मीडिया में भारत के खिलाफ नफरत ऐसी है कि वो जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मौसम ने मिजाज का बदला, देश के कई शहर और गांव की तस्वीर भी बदल गई। इसके कई इलाकों में कुदरत का सितम लगातार जारी है।
पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात भयावह बने हुए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुंबई और पुणे के हालात खराब हो चुके हैं। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत, मनाली से मुंबई तक आसमान से बरसी मुसीबत, कहीं फटे बादल, कहीं पानी की मनमानी ने बढ़ाई परेशानी। मॉनसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर तरफ मौसम की चौतरफा मार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। यानी साफ है कि अभी आसमानी आफत से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र में भी इन दिनों मुसीबत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे भागती दौड़ती मुंबई की रफ्तार थम गई। मुंबई के लोगों की यह मुसीबत जल्द खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने मुंबई में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी मुंबई में अभी और बारिश होगी और सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां कुछ देर की बारिश में ही सड़कों पर पानी भर गया। वहीं नवी मुंबई और चेंबूर में भी भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया के रूप में तब्दील हो गईं, जबकि कई जगह अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक को रोकना पड़ गया। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पुणे में भी बादल जमकर बरसे, जिसके बाद पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया। पुणे के सिंहगढ़ इलाके में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। पानी में डूबने की वजह से कई गाड़ियां बंद हो गईं। वहीं दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों में भी कमर तक पानी भर गया। वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया और नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वहीं भारी बारिश के बाद पुणे के विट्ठल मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया। मंदिर का गेट पूरी तरह से पानी में डूब गया। एक शोरूम में भी बारिश के पानी ने जमकर कहर मचाया। भारी बारिश के बाद शोरूम में घुटनों तक पानी भर गया और वहां रखा सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो गया। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। मंदिर, मकान और दुकान पानी में डूब गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। वडोदरा में आसमानी मुसीबत से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बाद वहां नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई गांव के लोगों को अलर्ट जारी किया है। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़क और खेत सब पानी में डूब गए, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क भी टूट गया। सबसे बड़ी समस्या शहरों में हो रहे जल भराव की वजह से देखने को मिल रही है। वडोदरा में कई घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। चाहे वडोदरा का सयाजीगंज इलाका हो या फिर करजन गांव, कुछ घंटों की बारिश में पूरा जिला टापू की तरह नजर आने लगा। भरूच में तो बारिश से इससे भी बुरे हालात देखने को मिले। भीषण बारिश के बाद सूरत से अलंकेश्वर जाने वाला हाईवे पूरी तरह बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया। हालात इतने बदतर हो गए कि लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव को पार करते दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से हाईवे पर इतना पानी भर गया कि सड़क को देख पाना मुश्किल हो गया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो गाड़ियां नदी के बीच चल रही हों। सूरत में भी जलभराव की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बालेश्वर गांव में भी हर तरफ पानी जमा हो गया। सड़कें, घर और गलियां सब पानी में डूब गए। ऐसे ही हालात चिखली गांव में भी दिखाई दिए। पहाड़ों पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ रही है। वहां बारिश,
बाढ़ और लैंडस्लाइड के साथ साथ उफनती नदियां लोगों को डरा रही हैं। उत्तरकाशी में इन दिनों नदी नाले लोगों को डरा रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को कहीं जाने के लिए इन नदियों को पार करना पड़ता है। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में थोड़ी भी लापरवाही इन लोगों पर भारी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आसमान से आई मुसीबत ने जमकर कहर बरपाया। वहां बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसके बाद उस इलाके में हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आईं। अचानक आए सैलाब की वजह से कई रास्ते बह गए तो कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल पूरे देश में बारिश का दौर जारी है और जगह जगह से बारिश और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हम सबको खराब मौसम में सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। और अब बारिश की वजह से एमपी के कई शहरों और गांव की तस्वीरें ही बदल गई। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कहीं नदी समुद्र का रूप ले चुकी है तो कहीं नाले उफान पर हैं। ट्रैक्टर भी नदी में फंस गया है तो कहीं इतनी बारिश हुई कि रपटा ओवरफ्लो होने लगा। बारिश की वजह से दफ्तरों के अंदर तक पानी घुस आया है। पन्ना की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो सब पानी पानी हो गया हो। तस्वीरें देख सकते हैं आप अलग अलग शहरों की। तो ये एमपी के शहरों और गांव का हाल बयां करती तस्वीरें हैं। मुरैना, दमोह, छतरपुर, मुरैना, पन्ना, हरदा, रतलाम और कटनी की तस्वीरें, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां महामंडलेश्वर ने हिंदुओं को सलाह दी है कि वो चार बच्चे पैदा करें। स्वामी प्रेमानंद महाराज का ये बड़ा बयान है। हिंदू माताओं को चार बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दो खुद रख लो और दो हमें दे दो। ये बड़ा बयान है महामंडलेश्वर का। महामंडलेश्वर हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं कि चार बच्चे पैदा करें। स्वामी प्रेमानंद महाराज का ये बड़ा बयान है। हिंदू माताओं से कह रहे हैं कि दो बच्चे आप खुद रख लो और दो बच्चे हमें दे दो, यानी कि दो बच्चे धर्म के नाम समर्पित कर दो। भारत वर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में चार चार पुत्र होना चाहिए, कम से कम। कहता हूं देखो, हमारे पास जाना जगह तो नहीं है, पर अगर दो का टारगेट हो, अगर कोई तीन कर रही है तो हमको दे दो। प्रेम से कहो श्री राधे, हम पाल पोस के बड़ा कर देंगे, नहीं तो आज से 25 साल पहले 2 करोड़ थे, फिर हुए 9 करोड़ और अब हो गए हैं 38 करोड़। भारत वर्ष को अगर, और महामंडलेश्वर का यह बयान उस दौर में है जब परिवार दो बच्चों पर भी जाना खतरे के तौर पर देखते हैं, या कहें कि परिवार को भरण पोषण करने के तौर पर अगर हम कहें तो वाकई अब चुनौती भरा हो गया है। उस दौर में महामंडलेश्वर का यह बयान है। अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, किस संदर्भ में दिया, क्या कहना चाहते थे महामंडलेश्वर? जी देखिए, जिस तरीके से अभी जो रुझान आए हैं उत्तर प्रदेश में और जो बंगाल में जिस तरीके के जो हालात देखने को मिल रहे हैं, उसी को देखते हुए महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज ने अपने कथा के दौरान भारत को हिंदुस्तान बनाना है तो कम से कम चार चार बच्चे पैदा करें, इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है। और कहा है कि यदि आप जो बच्चे करेंगे तो वो उसमें दो बच्चे आप रखे, बाकी के हमें दे दें, हम उनका पालन पोषण करेंगे। यदि हिंदुस्तान बनाना है तो आपको चार बच्चे पैदा करना होंगे, नहीं तो आने वाले समय में भारत ऐसा बनने से पीछे नहीं रहेगा। ऐसे जो है प्रेमानंद जी महाराज ने कथा के दौरान जो है अपने बयान दिए। तो यानी कि जो सवाल उठते थे महामंडलेश्वरों के, पहले संतों के इस बयान पर कि भाई बच्चे पैदा कर देंगे लेकिन पालेंगे कैसे, तो उसका जवाब भी दे रहे हैं कि दो खुद पाल लो और दो हमें पालने के लिए दे दो। लेकिन एक तरह सरकार जनसंख्या को नियंत्रण
में रखने के लिए तमाम कदम की बात कर रही है, जागरूकता अभियान की बात कर रही है, ऊपर से ऐसा बयान। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वही नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार को हुए विमान हादसे की जांच पड़ताल चल रही है। जिस त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ उसके बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। आखिर क्यों यहां से उड़ान भरना खतरे से खाली नहीं होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार को प्लेन हादसे का शिकार हो गया था जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। विमान में 19 लोग सवार थे। हादसे की अभी जांच पड़ताल चल रही है, असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हादसा कैसे हुआ इसकी तस्वीरें जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। बुधवार को काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट में विमान टेक ऑफ कर रहा था लेकिन तभी अचानक उसमें जोरदार धमाका होता है और प्लेन आग के गोले में तब्दील हो जाता है। लेकिन इतने भयंकर हादसे में भी एक शख्स बच जाता है जिसकी उम्मीद काफी कम थी। विमान के पायलट मनीष शाक्य ने मौत को मात दी है। हादसे के बाद प्लेन के पायलट मनीष शाक्य को अस्पताल ले जाया गया। अभी काठमांडू के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक हादसा इतना भयंकर था कि किसी के बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन इससे चमत्कार ही कहें कि पायलट की जान बच गई। रेस्क्यू टीम ने बताया कि मनीष को धधकते प्लेन के मलबे से बाहर निकाला गया तो उनकी हालत बेहद गंभीर थी। अस्पताल में उनकी आंख और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी चल रही है। विमान में सवार लोग इंजीनियर और टेक्नीशियन थे लेकिन 18 लोगों की जान बच नहीं पाई। विमान में आग फैलने की वजह से को पायलट ने अपनी जान गंवा दी। सौर एयरलाइंस का ये विमान इंजन टेस्टिंग के लिए पोखरा जा रहा था। विमान रनवे पर ही फिसल गया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ था। हालांकि जिस त्रिभुवन एयरपोर्ट से ये दुर्घटना हुई उसके पीछे रनवे की वजह बताया जा रहा है क्योंकि इस एयरपोर्ट पर टेबल टॉप रनवे बनाया गया है जो बाकी एयरपोर्ट के मुताबिक काफी जोखिम भरा होता है। नेपाल के विमान क्रैश के बाद टेबल टॉप रनवे एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। नेपाल में हुई इस दुर्घटना से पहले भी हवाई यात्रा के खराब रिकॉर्ड देखने को मिले हैं जिसकी वजह टेबल टॉप रनवे है। इस तरह के रनवे में विमान को टेक ऑफ लैंड कराने के लिए बेहद खतरा होता है। अब जानते हैं कि ये टेबल टॉप रनवे होता क्या है। एयरपोर्ट पर टेबल टॉप रनवे वो होता है जो आसपास के इलाके के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर बना होता है, जिसका मतलब ये होता है कि रनवे के एक या एक से ज्यादा तरफ ढाल होती है। ऐसे में रनवे पर पायलट के लिए काफी चुनौतियां सामने आती हैं क्योंकि गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। अगर विमान रनवे से आगे निकल जाए तो उसके नीचे गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। आज से 34 साल पहले भी काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें 167 यात्रियों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और भारत ने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ऐसा पहली बार है जब भारत ने किसी बैलिस्टिक मिसाइल को अपने डिफेंस सिस्टम से हवा में ही मार गिराया। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर में अब्दुल कलाम आइलैंड से पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ओडिशा के बालासोर में अब्दुल कलाम आइलैंड से डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पहले टारगेट पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, फिर ओडिशा के LC-4 धामरा से इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 लॉन्च की गई। दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती हैं, यानी 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को आसानी से मार गिरा सकती हैं। DRDO ने यह टेस्ट कल शाम 4:20 पर किया।
और इस टेस्ट से पहले 10 गांव के 10,581 लोगों को शिफ्ट किया गया। सफलतापूर्वक परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बुधवार को फिर से डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके लिए डीआरडीओ की टीम को बधाई। डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने भी पूरी टीम को बधाई दी। आपको बता दें AD-1 और AD-2 दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकती हैं। ये 5000 किलोमीटर रेंज तक वाली मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। तो इस बुलेटिन में इतना ही।